हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राइड राइस। फ्राइड राइस बनाने के लिए इन चावलों को मैंने लगभग एक घंटा पहले भिगो दिया था। तो अब हमें क्या करना है, ये पानी को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। तो जब पानी में खौल आ जाए तब हम इन चावलों को डाल देते हैं इसमें। ये मैंने बासमती राइस लिए हैं। फ्लेम को हाई रखना है, बिल्कुल भी लो नहीं करना है, और हाई फ्लेम में हम इसको पकाएंगे चावलों को लगभग 4 से 5 मिनट के लिए। अब मैं डाल देती हूँ इसमें ऑयल, हल्का सा नमक और बस इसको ढकना नहीं है। 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको हाई फ्लेम में पकाएंगे चावलों को। तो केवल 90% तक पकाना है और 5 मिनट हो चुके हैं। गैस को मैं ऑफ कर देती हूँ। अब मैं इसको छान लेती हूँ। ये मैंने लोहे की कढ़ाई रख ली है, इसमें ऑयल डाल दिया है, गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं बारीक कटी हुई प्याज, स्टर कर लेते हैं। अगर आपके पास बचे हुए चावल हो तो आप उसका भी बना सकते हैं फ्राइड राइस। अच्छे से जो भी सब्जियां बची हुई हैं घर में उन सबको डाल के अच्छे से फ्राई कर सकते हैं चावलों को। डाल देते हैं इसमें बारीक कटी हुई कैप्सिकम, बारीक कटी हुई बीन्स, चला लेंगे इसको। मसाले ऐड कर लेते हैं, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच नमक स्वाद अनुसार, और करीब 2 चुटकी गरम मसाला। डाल देते हैं सोया सॉस, ये है पत्ता गोभी, आपके पास अगर ब्रोकली वगैरह हैं या मशरूम है तो आप उनको भी बारीक कट करके डाल सकते हैं। ये हैं गाजर के लच्छे, इनको मैंने कट कर लिया था। ये है पनीर, जिनको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। तो अगर आप इनकी जगह मशरूम डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं राइस। ये सारा काम जो भी मैंने किया है ये हाई फ्लेम में किया है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और लास्ट में हम डाल देंगे स्प्रिंग ओनियन, ये मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। इसको हम इसके ऊपर डाल देते हैं, गैस को ऑफ कर देंगे और फ्राइड राइस बनकर एकदम रेडी हैं। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने फ्राइड राइस को सर्व कर लिया है और मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है कि घर में बचे हुए चावलों को कैसे फ्राइड कर लें। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।